हमारा ये कहना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है वो छत्री समाज से हैं, और छत्री समाज की भारतीय जनता पार्टी ने पगड़ी उछाली पूरे देश में। छत्री समाज आज रामनवमी का दिन है, पूछिए उनके आराध्य उनके छत्रियों की पूरे देश में कुटाई हो रही है, गुजरात में कुटाई हो रही है, समझिए कुटाई हो रही है, क्यों जनता आपकी कुटाई हो रही है। अपने शब्द संभाल के बोलिए, छत्री समाज ने माफिया को जड़ से साफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश में, और जाके फांसियां पड़ रहे थे उसी के यहां, उनको उनकी कुटाई हो रही है। ये शब्द गलत है अमित भाई, मेरा निवेदन है कि कैसे बोल रहे हैं, क्यों छत्री समाज से माफी मांगी, नहीं तो कुटाई आपकी हो जाएगी। एक एजेंडा क्लियर है, हिंदू विरोध पे अपना मुखर विरोध कैसे करो, खूब जमजम के भाजपा में। अरे आप लोग जैसे गिरगिट कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है न्यूज़ 18 इंडिया के शो आर पार का। और दोस्तों कल जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रामनवमी थी, जिसके तहत दोस्तों अयोध्या के अंदर रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता ने कहा कि मैं पूजा नहीं करता और जो पूजा करता है वो पाखंड करता है। और तीसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी की रैली के अंदर, रामनवमी की यात्रा के अंदर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। दोस्तों इन्हीं सभी मुद्दों पर आज की ये बहस होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेफ्टी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव साहब और कई अन्य मेहमानों के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस आज की इस डिबेट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में, जहां पर हिंदूज मिनोरिटी में है यानी कम संख्या में है, जैसा इस समय अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, वहां पर आगजनी हुई है रामनवमी के मौके पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। आज मुझे पता चला कि अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरे देश को बताने के लिए कि आपकी खबरें जो है वो अमित मालवीय बीजेपी का आई टी सेल का हेड जो है वो ब्रेक करता है और आप उस पर खबर चलाते हैं। इस वक्त पूरा देश का पुलिस, पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरे देश के पुलिस फोर्स इलेक्शन कमीशन के अंडर है। और हम इलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे, किसी भी साइड का कोई भी शख्स हो जो हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है आज की इस पावन मौके पर, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। देखिए, इनके पास आपकी बात का जवाब नहीं था तो इन्होंने आप ही पे लांछन लगा दिया कि आप अमित मालवीय की न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। जरा इनको बोलिए, जरा नेट गूगल अगर बाकी सी चीज खोले, एनआई को खोले, वेबसाइट से भी खबर ब्रेक करा है। सवाल वही कह रहा हूँ, सवाल ये, और मैं बिहार झारखंड का ही हूँ और मैं प्रभारी भी हूँ, मेरे पास भी न्यूज वहीं के वहीं आ गई थी। और जानते हैं कैसे ये हुआ है? जुलूस निकल रहा था, जुलूस के ऊपर फेंका गया है, जलता हुआ बॉल फेंका गया है, एक नहीं कम से कम 50-100 से ऊपर। ये हिम्मत आप लोग की सरकार होती है तभी क्यों आती है, देश यही तो जानना चाहता है। हिंदू भाजपा या आरएसएस नहीं है, सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। हमारा ये कहना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो छत्री समाज से हैं, और छत्री समाज की भारतीय जनता पार्टी ने पगड़ी उछाली पूरे देश में। छत्री समाज आज रामनवमी का दिन है, सोचिए उनके आराध्य उनके छत्रियों की पूरे देश में कुटाई हो रही है, गुजरात में कुटाई हो रही है, हिंदू नहीं है वो, 80 करोड़ हिंदू। अरे अपने शब्द संभालिए, जरा रामराज को मानने वाले लोग, संभालिए, कुटाई हो रही है, क्यों जनता आपकी कुटाई कर देगी अच्छी तरह से। अपने शब्द संभाल के बोलिए, छत्तीस समाज, अपने शब्द संभाल के बोलिए, क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये समाज, क्यों ये समाज ने कितनी कुटाई की है माफियाओं की, उत्तर प्रदेश में भूल गए प्रधानमंत्री बनने का सपना, छत्तीस समाज ने माफिया को जड़ से साफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश में, और जाके फांसियां पड़ रहे थे उसी के यहाँ। नहीं 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 पढ़ते रहिए फातिया, क्षत्रिय समाज की कुटाई कोई नहीं कर सकता, क्षत्रिय समाज कुटाई करता है माफियाओं की, ठीक है ना, क्षत्रिय समाज माफियाओं की कुटाई करता है। क्षत्रिय समाज की चिंता करने की जरूरत समाजवादियों को नहीं है, समाजवादी समाज नहीं कर सकते। देश का क्षत्रिय समाज ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, उनको उनकी कुटाई हो रही है इस देश के अंदर। ये शब्द गलत है अमित भाई, मेरा निवेदन है कि मेरा निवेदन है इन शब्दों को आप मेरे कार्यक्रम में मत बोलिए, और अगर आपकी त्रुटि हो गई है उसको हम कैसे किसी दायरे में बांट सकते हैं, और उसके लिए इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल, कुटाई हो रही है उस समाज की। मुझे नहीं लगता ये शब्द सही है और सही मायने में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अमित जवाई, आपने बताओ, नहीं हम आपका, हम आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आपकी मर्जी की बात नहीं करेंगे। बताओ अमित जवन, आप बताओ प्रधानमंत्री के बिहार पे छत्री समाज की पगड़ी क्यों उछाली, छत्री समाज से माफी मांगिए नहीं तो कुटाई आपकी हो जाएगी। मैं ये बता दे रहा हूं कि बंगाल की जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप मुर्शिदाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, कलकत्ता में ऐसी बहुत जगह है जहां से रामनवमी के प्रोसेशन में जुलूस नहीं निकलने देंगे किसी भी हालत में। ये लोग ये इतनी भक्ति में आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इतनी मुसलमान भक्ति करेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आपके अमित भाई, अभी इतना चिल्ला रहे थे ये कम्युनिस्ट, ये एथिस्ट ने, कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, तो जब नास्तिक हो तो रामनवमी पे ज्ञान देने क्यों आए? आ जाते हैं, एक एक प्रजाति होती है, उसके दो नस्ल है, एक छिपकली एक गिरगिट,
कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर एकदम यही लागू होता है, छिपकली है, गिरगिट है, ऐसा रंग बदलते हैं जैसा कोई हिसाब किताब नहीं है। राहुल गांधी आज वायनाड में भाषण दे रहे थे कि केरला के मुख्यमंत्री को जेल करिए, भ्रष्टाचारी है। वाह भाई वाह। और केंद्रीय एजेंसी अगर उनको जेल करेगी तो कहेगी कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, और बंगाल में त्रिपुरा में आके आई लव यू करते हैं। तो कौन कब रंग बदल रहा है किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन एक ही एजेंडा क्लियर है, हिंदू विरोध पे अपना मुखर विरोध कैसे करो, भाजपा में। अरे आप लोग जैसे गिरगिट कोई नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप तो आप जब रामलला को मानते ही नहीं है तो आप रामनवमी पे ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपको राम पे बोलने का अधिकार क्या है जब आप एथिस्ट खुद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके कि मैं नास्तिक, आपके पाखंड को एक्सपोज करने का हमारी आस्था है, आपको किसी ने आपके पाखंड को एक्सपोज करने का मुझे अधिकार है। एक सेकंड विवेक, विवेक जी हमारा मजाक उड़ाओ नहीं, आपकी कोई आस्था नहीं। एक सेकंड विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी रामनवमी पर राम की पूजा करना पाखंड है आपकी राय में? हां या ना? नहीं नहीं, अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं आपके और भगवान के बीच की बात है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, 5 इंच से ऊपर की तलवारें लेकर के आपकी बात को ऊपर रखा, अब आप रुकिए, थोड़ा डाउन करिए इनका, यही रुकिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो लोग इफ्तारी पर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और बिना रोजा रखे इफ्तारी करते हैं, ये भी पाखंड करते हैं क्या? जी देखिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए की हुई चीज और रिलीफ पार्टी है, मान लिया वो कम्युनल हार्मोनी है, लेकिन भगवान राम की पूजा करते हुए, भगवान राम की आराधना करते हुए, प्रभु राम की अर्चना करते हुए, अगर आप फोटो खिंचवाते, सुनिए जी, मैं वीडियो नहीं, भक्त की बात ही नहीं है, ये तो वक्त, ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है, ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है, भक्ति नहीं है, कैमरा पाखंड है। ये क्या है डॉक्टर, ये क्या है? गौरव गोगोई नमाज अदा कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पाखंड की भक्ति है? आप पूजा करिए, वोटों के लिए पूजा मत करिए। क्या है ये? पाखंड की भक्ति है, और आप बता दीजिए, पाखंड की भक्ति है। आप पहले तो पाखंड की भक्ति है, राम मंदिर के इन्विटेशन पे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठ जाएंगे धरने पे और ईद के दिन नमाज अदा करेंगे, रामनवमी के दिन गाली देंगे, ये पाखंड की भक्ति है और नॉट, ये पाखंड है या भक्ति है? पार्टी डू यू रिप्रेजेंट द कंट्री और नॉट? जहां घमंडियों की सरकार है वहीं पे ये घटना क्यों हो रही है, चाहे वो झारखंड हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। कल ममता बनर्जी ने साफ साफ धमकी दी थी कि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया है, यहां दंगे हो जाएंगे क्यों, और आज सुबह उन्होंने भड़काऊ बयान दिया कि रामनवमी में दंगा मत करना। ये सब उनके भड़काऊ बयान के कारण हुआ है, उन्होंने चढ़ाया उकसाया है वहां पे आतंकवादियों को, वहां पे आतंकी को, उत्पातियों को, कि जुलूस पे हमला करो। ये मीडिया नैरेटिव से तो बीजेपी को फायदा है, मुख्यमंत्री ने ये बोला था, ये सुनियोजित है, बीजेपी को फायदा नहीं है, कांग्रेस और सीपीएम, ये देखिए गिरगिट छिपकली, गिरगिट छिपकली मुसलमानों का वोट करते हैं, चक्कर में बंगाल में अमीश गिरगिट छिपकली उसी चक्कर में ये दंगे करवाए गए हैं, उसी चक्कर में ये दंगे करवाए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर सभी प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज को कूटा गया इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर वगैरह 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 वगैरह, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अमित जमाई साहब, आप पहली बात तो आप हिंदू हो नहीं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उस पर ज्ञान दीजिए, क्षत्रिय समाज को प्लीज कृपया करके डिबेट शो के अंदर बदनाम करने का काम मत करें, और सबसे पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने जो अल्फाज यूज किए कि कूटा गया, भाई देखो जो भी कूटने आएगा ना क्षत्रिय समाज को उसका पिछवाड़ा सुझा दिया जाएगा, समझ में आई आपको, लाल कर दिया जाएगा, तो कृपया करके ये फेक प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाने की कोशिश ना करें, जातियों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश ना करें, ये देश कभी भी बंटने वाला नहीं है। आपकी क्या मंशा है, आपका क्या प्रोपेगेंडा, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, आप एक्सपोज हो चुके हो, तो कृपया करके क्षत्रिय समाज के ऊपर इतना बड़ा कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए, और सबसे पहले आप क्षत्रिय समाज से माफी मांगिए, क्योंकि जो भी आपने ये बात बोली है वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि रामगोपाल यादव साहब ने कहा कि मैं तो पूजा करता नहीं हूं, लेकिन जो करता है वो पाखंड करता है। आपको किसने अधिकार दिया भाई साहब कि आप इतने लोगों की आस्था को पाखंड बोल रहे हो? किसने अधिकार दिया आपको? आप हो कौन पहले ये बताओ, समाजवादी पार्टी के एक नेता होना भगवान तो हो नहीं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े इतने लोगों को आप बोलते हो कि पाखंड करता है, वो पाखंड आप करते हो सर, एक तरफ तो आप इफ्तार पार्टी में चले जाते हो, लेकिन दूसरा जो अगर रामलला में जाता है तो उसे आप पाखंड बोलते हो, उसे आप आरएसएस का प्रोग्राम बोलते हो, मतलब इतना भी क्या गिल्ट है, मतलब इतना भी क्या तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं है भाई साहब? इस देश के अंदर मोदी सरकार इसीलिए बार बार में जीत रही है, सनातन को गालियां दोगे, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलोगे, रामनवमी पर पत्थरबाजी करोगे, फिर जो करेंगे उसके साथ ही खड़े हो जाओगे, तभी तुम्हारी ये हालत हो रही है, तभी हो रही है, 2024 का चुनाव भी यहाँ पर हारने वाले हो, जिस तरह से आप लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हो ना, उसी कारण आप 2024 का चुनाव भी हार रहे हो। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इन तीनों टॉपिक को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।